हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है भरगेन का शेफ। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी, कुरकुरी भिंडी। आज मैं आपको बताऊंगा कुरकुरी भिंडी कैसे बनाएं और उसके लिए हमने क्या तैयारी कर रखी है। सबसे पहले मैं आपको उसका मीजा दिखा देता हूँ। ये है इसका मीजा। कुरकुरी भिंडी बनाने के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत है। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। आपने सबसे पहले भिंडी लेना है और धो के साफ करके रख लेनी है। ये देखिए, मैंने धो के और साफ करके रखे हैं। अभी इसी तरीके से धो के साफ करके रख लें। अब हम इसको काट लेंगे। अगर आपको लगे इसमें पानी है तो आप इसको कपड़े से पोंछ लें। सूखी भिंडी होना चाहिए। जो कुरकुरी भिंडी में है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कटिंग। आपने यहाँ से और यहाँ दोनों तरफ से ऐसे काट देना है। उसके बाद भिंडी लंबी है तो बीच में से काट लें, फिर यहाँ से और ये देखिए, और इसका सेंटर का जो ये है बीज, ये आपने निकाल देने। इस तरीके से आप निकाल दें और हमने भिंडी ऐसे ही काटनी है। ये देखिए, और इसको थोड़ा यहाँ से एक के दो कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे आप भिंडी काट लें इस तरीके से। और भिंडी की मेन जो है इसमें कटिंग है, कटिंग सारी एक जैसी होना चाहिए, तभी आपकी भिंडी अच्छी और क्रिस्पी होगी। मैं सारी भिंडी इसी तरीके से काटूंगा। भिंडी मैंने काट ली है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये देखिए, आप भी इसी तरीके से काट लें। और बीज आपने एक भी नहीं लेना है क्योंकि बीज में बहुत सारा पानी होता है। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। एक डिप बॉल की ज़रूरत है हमें उसके लिए। भिंडी मैंने 300 ग्राम ली थी, 300 ग्राम भिंडी है ये। आपको बहुत ही अच्छे से मैरिनेट करके दिखाऊंगा ताकि जब आप भिंडी बनाएं तो आपकी भिंडी अच्छे से बन जाए और एकदम कड़क हो, मतलब आपको मज़ा आ जाए खाने में। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगा अजवाइन आधे से आधा चम्मच, और आपने इसको रगड़ लेना इस तरीके से, मसलें। फिर डालें आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। इसको आप अच्छे से ऐसे मिक्स कर लें ताकि मसाला पूरा लग जाएगा भिंडी में। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। 3 चम्मच बेसन डालना है। 3 चम्मच बेसन में आपने 1 चम्मच चावल का आटा डालना है। अगर आपको चावल का आटा पसंद नहीं है तो आप आधा चम्मच कॉर्नफ्लोर डालें, उससे बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनाएगा। अब इसको आपने अच्छे से ऐसे मिक्स करना है इस तरीके से। देखिए, जब आप ऐसे थोड़ी देर मिक्स करते रहेंगे तो ये भिंडी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारा मसाला लग जाएगा। आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा मुझे कलर फीका फीका लग रहा है तो मैं इसमें डालूंगा आधा चम्मच हल्दी, इससे कलर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसको फटाफट फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए आपका तेल गर्म होना चाहिए और गैस मीडियम होना चाहिए। तेल एकदम गर्म होगा तो हम एकदम फटाक से डालेंगे और फटाफट निकालेंगे तो क्रिस्पी हो जाएगी। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। आप एक चीज का ध्यान रखें, कुरकुरी भिंडी के नाम पे आपने भिंडी के पकौड़े नहीं बनाने। ऐसा नहीं है कि बेसन आपने पानी डाल के उसको गीला कर दिया, ऐसे नहीं करना। आपने कुरकुरी भिंडी का मतलब कुरकुरी भिंडी होना चाहिए। अब मेरा तेल गर्म हो चुका है, अब मैं डाल दूंगा तेल में। ये देखिए, अब इसको हम निकाल लेंगे और दोबारा से गरम तेल करके दोबारा डालेंगे। ये देखिए, ऐसी कुरकुरी भिंडी होना चाहिए, कहीं मसाला लगा है कहीं नहीं लगा है। तेल गरम हो चुका है, अब दोबारा से हम फ्राई करेंगे भिंडी को, डालेंगे और फटाफट कड़क करके निकालेंगे। कैसे डालना है ये देखिए, और ऐसे ही थोड़ी देर पकने दें। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी हो चुकी है भिंडी। अब मैं ये निकालूंगा। आपने देखा हमारी भिंडी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब मैं बॉल में निकाल लूंगा। ये देखिए, शानदार बहुत ही बेहतरीन भिंडी हुई है। अब हम इस पे डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। ये देखिए, अब इसको खाने का मजा आएगा असली। आज मैं आपके लिए लेके आया बहुत ही बेहतरीन रेसिपी कुरकुरी भिंडी, और मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया कि कुरकुरी भिंडी कैसे बनाएं।
मैं ऐसे ही आपके लिए एक से एक वीडियो लाऊंगा, बस आपने मेरा वीडियो आखिर तक देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।